मैं फिर हाजिर कोर मॉड्यूल डी वन लुकिंग फॉरवर्ड जो कि आपका स्टूडेंट एक्टिविटी बुक के मॉड्यूल है। सो प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको इजी वे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन अगर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स आप न्यू विजिट कर रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। और स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सिक्वन वाइज मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रही हूँ, सो इन्जॉय कीजिए, अपनी लर्निंग को इंक्रीज कीजिए। और ये भी बहुत सिंपल है, मैंने ये आपको पहले भी बताया और आपने भी एफ ई में सीखा ही होगा। सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर, पार्ट ए में आपका है व्हाट लिस्ट, क्या है लिखा ही है, सिंपल आप सीख जाओगे। देन मिनिमम अफेयर्स आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। फेस फेस, रेस रेज, फील फील, साउंड थोड़ा सेम है लेकिन अगर आप डीप प्लीज को अब्जॉर्व करेंगे समझेंगे सो लिटिल बिट साउंड डिफरेंट है। पहले जब मुझे बिल्कुल भी कुछ लर्निंग का पता नहीं था साउंड क्या होता है इन हिंदी इंग्लिश, तो मुझे ये चीज़ बहुत फेस करना पड़ता था। जब धीरे धीरे सीखते हो तो आप समझ, आप इस लेवल पे हो कि ये चीज़ आपको आती होगी, ठीक है। जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का नहीं है, ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन नहीं, तो वो स्टूडेंट इस चीज़ को फेस करते हैं। सो देखिए, फिल फील, स्टिल स्टील, सेट सैट, स्नैक स्नेक, टेस्ट टेस्ट, ओके वेस्ट बेस्ट। तो स्टूडेंट्स ने लिटिल बिट साउंड डिफरेंट है। चलिए मैंने कुछ आपके लिए सेट करके रखा है, आपको शो कर देती हूँ। मिनिमम फेयर्स हैं, फर्स्ट ये देखिए, इसमें आपको राइट डाउन करना है, देन समझना है। देख ये और मिनिमम फेयर्स आपको शो करें, मैंने पहले भी आपको शो करे तो आपको ये मैक्सिमम आते ही होंगे, आई होप आपको पता होगा। जो स्टूडेंट ने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा मिनिमम फेयर्स की, और आप खुद भी ऑनलाइन अपडेट रहा कीजिए। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनके थ्रू आप सीख सकते हो मिनिमम फेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, जो कि लिटिल बिट सेम साउंड होते हैं वो मिनिमम फेयर्स कहलाते हैं। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये देखिए, ये मिनिमम फेयर्स है, मैंने आपको पहले भी गाइड किया है, आप इंटरफेस देख सकते हो, देन पोज करके इसको रीड कर सकते हो एंड राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, इसको भी आप पोज करिए, रीड करिए। कैट, कट, एंकल, अंकल, रन रन, ये आप राइट डाउन कर सकते हो और बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा भी है, मैंने यही चीज़ आपको पहले भी शो किया है, इंटरफेस दिखाया है प्रीवियस वीडियोस में, सो अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे। और आप एडवांस लेवल पर है तो ये चीज़ आपको आती होगी, जिन स्टूडेंट को नहीं आती है उनके लिए बहुत बेनिफिट है। सो लेक वेक, लाइट वाइट, लीन वीन, लॉक वॉक, लैम्प वॉम, लिप विप। सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये इतना ही है, आप लिख सकते हो। देन स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी में आपका है स्पेसिफिक एक्शनेबल एरियाज, तो ये है क्या, आपको क्या करना है। तो एक्शनेबल एरियाज वो है जिसमें आपको आपकी लर्निंग में आप इम्प्रूव करना है। इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने के लिए। तो कौन कौन से आपके, देखिए, प्रोनंसिएशन हो सकती है, हैंड राइटिंग हो सकती है, पार्ट ऑफ द स्पीचेस हो सकती हैं, प्रपोजिशंस हो सकते हैं, वर्ब्स हो सकती हैं, और भी मैनी मोर थिंग्स हैं इसमें। तो कौन कौन आपके एरियाज हैं आपको इम्प्रूव करनी है, वो आपको यहाँ पे एक छोटा सा लिटिल बिट पैराग्राफ सेंटेंसेस आपको राइट डाउन करने हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, मैंने आपके कुछ रेडी करके रखा है, मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको आपको हेल्प होगी। हेलो लर्नर्स, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माय सम इंग्लिश लर्निंग प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग। दीज आर थिंग्स, फर्स्ट प्रोनंसिएशन एंड इज, सेकेंड इज हैंड राइटिंग, सो दीज आर my actionable areas so that I'm going to improve. Thank you. Students and learners, मैंने थोड़ा सा लिख के बताया आपको ताकि आपको हिंट मिल सके, आप अपने वे में राइट डाउन कर सकते हो।
ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से आपको राइट डाउन करना है. ओके, सो आई होप आपको ये स्टूडेंट एक्टिविटी एडवांस लेवल की बुक ईजिली समझ आई होगी. अगर आपको लगता है कि ईजी समझ आइए या फिर कुछ डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ. जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, मैं खुद की भी हेल्प करने की. आप शेयर करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर पाऊँगी. तो आई होप आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा. मैं चलती हूँ एक और न्यू वीडियो बनाने के, तब से टाटा बाय बाय.